क्लास फोर टेबल कंटेंट न्यू काउंटडाउन लेक्चर नंबर 20 टॉपिक है फ्रैक्शंस पेज नंबर 71 एक्सरसाइज 3C। अब इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 एंड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मींस जिस तरह आप मिक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम करते आ रहे हैं, वैसे ही सेम आपके पास यही है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इम्प्रॉपर में चेंज करना है, उसको रीग्रुपिंग कहा जाता है। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेंज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन आपने क्या करना है, सेम द डिनोमिनेटर, थर्ड में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, एंड लास्ट में आपने उसको चेंज करना है मिक्स नंबर में। तो ये आपके पास रीग्रुपिंग ही मैथड है जो आपने लास्ट लेक्चर में जो है वो आपने किया हुआ है। ये आप क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने इसके जो 6 पार्ट्स हैं ये आपने अपनी नोटबुक पर खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के साथ आपने जो है वो रीराइट जो है वो स्टेटमेंट के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक पे। फर्स्ट चैप्टर वेज साइकिल्स 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 2/5 किलोमीटर इन द इवनिंग, हाउ फॉर डज ही साइकिल ऑल टुगेदर। अब देखेंगे आपके पास गिवन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन सबसे पहले हमने ये बताना है कि क्या इसमें हमने प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, ये तो हम दोनों में से कोई एक काम तो हो रहा होगा, प्लस है या माइनस है, लेकिन उससे पहले आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। परवेज क्या कह रहे हैं कि परवेज जो है वो साइकिलिंग कर रहा है 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग में और इवनिंग में। वो कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स हमने प्लस करना है कि वो अगर सुबह में इतनी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, इवनिंग में वो वॉक अलग कर रहा है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, आपने इसको ऐड करना है। सेकंड है तानिया एंड विदा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर्स। तानिया यूज्ड 1/7/10 मीटर ऑफ पेपर एंड विदा 1/10 मीटर। हाउ मच पेपर डिड दे यूज़ ऑल टुगेदर, कि तानिया ने जो है वो यूज़ किए हैं 1/7/10 मीटर और विदा ने 1/10 मीटर जो है वो पेपर यूज़ किए हैं। तो कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर यानी टोटल कितने पेपर जो है वो यूज़ हुए हैं, दोनों के अगर मिला के बताएं तो प्लस करेंगे आप। थर्ड है आफ्टर अ बैट्समैन हिट द बॉल ट्रैवल 70/3/4 मीटर इन द नेक्स्ट हिट द बॉल ट्रैवल 91/5 मीटर। ये बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, तो ट्रैवल बॉल ने जो ट्रैवल किया है वो 73/4 है फर्स्ट बॉल पे। सेकंड बॉल पे जब हिट हुआ तो 91/5 मीटर जो है वो उसने ट्रैवल किया बॉल ने। तो कह रहे हैं हाउ मच फर्दर डिड द सेकंड बॉल ट्रैवल देन द फर्स्ट, कि जो फर्स्ट बॉल ट्रैवल किया है और सेकंड ने, तो सेकंड बॉल ने कितना ट्रैवल किया फर्स्ट बॉल से ज़्यादा, इसमें आप माइनस करेंगे तो पता चलेगा। ऑन मंडे मॉर्निंग सना बाय 8/2 kg ऑफ पोटैटो, के मंडे की मॉर्निंग को सुबह को उसने 8 1/2 जो पोटैटोज थे वो उसने बाय किए थे। बाय फ्राइडे मॉर्निंग ओनली 1 3/4 kg ऑफ देम आर लेफ्ट, कि जब फ्राइडे को उसने चेक किया तो उसके पास 1 3/4 kg जो थे वो बाकी पोटैटोज जो थे वो लेफ्ट थे। हाउ मच ऑफ द पोटैटोज हैज़ सना यूज्ड, आप कह रहे हैं कि उसने कितने पोटैटोज जो थे वो यूज्ड कर लिए, तो आपने इसमें क्या करना है, माइनस। At the start of a journey, Mrs. Khan has 15 2/5 liter of petrol in her car. By the same time she reached her destination, only 3 3/4 liter of petrol is left. How much petrol has the car used? कह रहे हैं कि जब उसने जर्नी यानी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो 15 2/5 लीटर जो था वो कार में पेट्रोल था। जब उसने डेस्टिनेशन यानी अपनी जहाँ उसे जाना था वहाँ वो पहुँचने के बाद उसने चेक किया तो 3 3/4 था। तो कह रहे हैं कि कितना पेट्रोल जो था वो लेफ्ट था, ठीक है, कितना उसने यूज़ किया लेफ्ट, उन्होंने बता दिया यूज्ड, हमने बताना है कि कितना यूज़ किया था, तो माइनस करेंगे। अब फर्स्ट आपके पास इसी तरह प्रवेश आपने लिख लिया, आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, आपने स्टेटमेंट के साथ लिखना है प्रवेश साइकिल इन द मॉर्निंग 1 1/4 किलोमीटर, प्रवेश साइकिल इन द इवनिंग 2 2/5 किलोमीटर। अब आपने ही साइकिल ऑल टुगेदर के पूछ रहा है कि कितना ऑल टुगेदर होगा वो हम फाइंड करेंगे। अब आपने पहले आपके पास ये मिक्स नंबर में आपने लिख लिया, इसको सबसे पहले आपने किस में चेंज किया, इम्प्रॉपर में, देन आपने इसको सेम किया, डिनोमिनेटर आपने ऐड किया और देन आपने डिवाइड करने के बाद इसको मिक्स नंबर में दे दिया। बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, 1 7/10 + 1/10 आ गया। ये आपके पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी कॉमन है, आपने जस्ट इसमें इम्प्रॉपर में चेंज किया, आपने माइनस किया, सॉरी प्लस किया, प्लस करने के बाद आपने इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है वो मिक्स नंबर में आ गया। नेक्स्ट है फर्स्ट बॉल में उसने इतना ट्रैवल किया, सेकंड बॉल में इतना ट्रैवल किया, माइनस किया, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया तो 451 मल्टीप्लाई आपने 4 से किया, 70 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आपने क्या किया होल नंबर को न्यूमिरेटर को आपने ऐड किया तो 283 मल्टीप्लाई 5 आ गया। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1840 माइनस 1415 आपके पास आ गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास दोनों से मैं यहाँ पे मिसिंग है, आपने 20 यहाँ पे राइट कर लेना, माइनस किया तो 389 डिवाइडेड बाई 20 आ गया, डिवाइड किया आपने 99/20 आपके पास मिक्स नंबर में आ गया। इसी तरह फोर पार्ट है आपके पास, मंडे मॉर्निंग बाय पोटैटो एंड फ्राइडे मॉर्निंग
सॉरी यहाँ पे 22 पोटैटो नहीं आएगा, यहाँ पे है फ्राइडे मॉर्निंग लेफ्ट पोटैटोज 1 3/4 के जी, ठीक है। मंडे मॉर्निंग 22 पोटैटो 8 1/2 के जी, और फ्राइडे मॉर्निंग लेफ्ट पोटैटोज के इतने पोटैटो जो थे वो लेफ्ट थे, यहाँ पे आपके पास आएगा लेफ्ट बाय की जगह यहाँ पे आपने क्या लिखना है लेफ्ट पोटैटोज, कि आपके अपने फ्राइडे को चेक किया तो आपके पास क्या थे 1 3/4 के जी जो थे पोटैटो लेफ्ट थे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बाय की जगह क्या आएगा लेफ्ट आएगा, ये बाय मिस्टेक बाय है, बाय नहीं लिखना आपने यहाँ पे लेफ्ट लिखना है। हाउ मच सना यूज पोटैटो, कितने उसने पोटैटोज यूज़ कर लिए, वही आपने सबसे पहले चेंज किया इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर कॉमन किए एंड देन आपने इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद आपने डिवीजन की, डिवीजन के बाद आपके पास आंसर जो है वो मिक्स नंबर में आ गया। लास्ट आपके पास स्टार्ट ऑफ अ जर्नी पेट्रोल, या आपके पास वही स्टार्ट किया जर्नी को तो उसके पास 15 2/5 लीटर था, और जब डेस्टिनेशन उसने रीच की तो 3 3/4 था। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि हाउ मच पेट्रोल यूज्ड, कि उसने कितना पेट्रोल जो था वो यूज्ड कर लिया है। माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर में चेंज किया, देन आपने डिनोमिनेटर कॉमन किए, उसके बाद आपने माइनस किया और डिवाइड किया, और आपके पास फ्रैक्शन में 11 13/20 आपके पास आ गया। होमवर्क है आपके पास एक्सरसाइज 3C पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके पास रीग्रुपिंग सब्ट्रैक्शन का मेथड है आपने वही यूज़ करना है। सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, देन आपने चेंज करना है डिनोमिनेटर उनके सेम करने हैं, उसके बाद आपने माइनस करना है, देन आपने उसको आंसर मिक्स नंबर में लेके आना है।